अगर आप मुंबई में रहते हैं और घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। मुंबई के कुछ डेवलपर्स फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों से बिना कोई रकम लिए पार्किंग दे रहे हैं, तो कुछ डेवलपर्स बिना कोई रकम लिए किचन में सारे अप्लायंस लगाकर दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए अब तक मुख्य तौर पर सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और वेट माफ करने के ऑफर देते रहे हैं, लेकिन मॉनसून ऑफर में इस साल ग्राहकों को ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जो अब तक नहीं दिए जाते थे। जैसे ओमकार डेवलपर्स गुरेगांव के अनंता प्रोजेक्ट में हर 2 BHK खरीदने वाले को 2 पार्किंग बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दे रहा है। पहले 21 खरीदारों को 5 लाख रुपए की कार भी फ्री दी जा रही है। इसी तरह धीरज ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट में बुकिंग करने पर सारे किचन अप्लायंस फ्री में देने का ऑफर है। रुस्तम जी थाने के अरबानिया टाउनशिप के स्काई होम्स में फ्लोर राइज के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा है। डेवलपर्स की माने तो ऑफर्स लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। कार सभी देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं, कुछ और सब अलग अलग ऑफर्स आती है। हमने 2 BHK में 2 पार्किंग प्लस कार दे रहे हैं। कार पार्किंग लोगों को ये सुविधा मिल जाती है तो लोग पैसे देने तो रेडी होंगे, लेकिन हम तो ये सुविधा फ्री में दे रहे हैं, तो लोगों की जरूरत के ध्यान के हिसाब से हमने ये ऑफर दे रहे हैं। रियल स्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की माने तो मार्केट में रिकवरी आ रही है। पिछली 6 माह में देश के 8 में से 6 बड़े शहरों में सुधार दिखा है। सबसे बढ़िया रिकवरी मुंबई के मार्केट में दिखी, जिसमें बीते साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ रही। मुंबई में मिड और बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में डिमांड जारी है। मुंबई के आसपास थाने, नवी मुंबई जैसे मार्केट में अफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलपर्स के लिए काफी गुंजाइश दिखी। डेवलपर्स मांग के माहौल में सुधार को देखते हुए ऑफर्स की पैकेजिंग कर रहे हैं। डेवलपर्स ने आखिरकार मान लिया है, उसे रियलाइज किया है और मानकर वो चल रहे हैं कि अगर अच्छी इंडस्ट्री, अगर अच्छा कारोबार करना है तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत मैटर करता है और वॉल्यूम्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते इस तरह की जो स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल माने रखती है। अगर डेवलपर्स ये सब समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा एक मोड़ आ गया है आज इंडस्ट्री में। रियल स्टेट सेक्टर में पिछले 5-6 साल से डेवलपर किसी न किसी बहाने ऑफर्स लाते रहे हैं, लेकिन ग्राहक कीमतों में कटौती को ज्यादा तरजीह देते रहे हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।